देखें तो ये 180 डिग्री से भी ज्यादा रोटेशन है इसकी। अच्छा, मर्जी चाहे उसको मूव कर सकते हैं। मतलब बाइक, अब देखें मैंने उसी जगह पे इसको रोटेट करके साइड इसकी चेंज कर दी है। हाँ, कि इसकी इतनी रोटेशन है। तो बाइक के साथ इसे लेके जा सकते हैं? एग्जैक्टली, ये बनाया ही बाइक के लिए हम। अच्छा, फ्रंट पे सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाता है, सोलर पैनल अंदर जो जो कुछ लगा हुआ है उन सबको चलाता है। सिंपली एक सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल करें, उस सोलर पैनल के थ्रू नीचे बैटरी लगेगी। ये फ्रंट के पैनल जो है हार्डली 15 वाट का एक पैनल है। अच्छा जी, विच इज नथिंग। ठीक है, आप एक बैटरी, बड़ी बैटरी आपका पूरा दिन बासानी निकाल जाएगी। यहाँ से आपकी मोर देन 50 रेसिपीज इन दो फ्राइड से बन सकती है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर शहर की एक फैक्ट्री में, जहाँ पे मुख्तलिफ फूड कार्ट्स बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रोज़ी के अड्डे। नाज़रीन, आज मैंने एक स्पेशल वीडियो ढूँढी, आज मैंने टारगेट किया है कि आज मैं आपको एक फैक्ट्री का रिव्यू करवाऊँ जहाँ पर मुख्तलिफ फूड कार्ट्स बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, नॉर्मल लोगों के पास बजट बहुत कम होता है, वो लोग अपनी शॉप नहीं खरीद सकते, दुकानें नहीं बना सकते, तो उनका अल्टरनेटिव जैसे फूड कार्ट्स हैं, जो कि प्राइसेस क्या हैं, अभी यहाँ के ऑनर के पास चलते हैं, उनसे बात भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं ये कैसे बनते हैं। मेरे साथ आइए। हॉट सेलिंग और बहुत ज़्यादा बिकने वाली हमारी कार्ट है। अच्छा जी, इसकी मेन वजह ये कि इसके पीछे दो टायर्स हैं और एक टायर आगे है और नीचे चेसिस बनी हुई है। अच्छा जी, और ये काउंटर जो है उसको इसके अंदर हम लोग माउंट कर देते हैं नट एंड बोल्ट के साथ। ओके, अब ये वाला जो है ये आपका एज एन स्टैटिक काउंटर भी यूज़ हो सकता है और आप इसको ऑन व्हील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब जिस पर्पज़ के लिए मोस्टली कस्टमर ये लेते हैं वो केटरिंग सर्विसेज के लिए लेते हैं कि उनको एक पॉइंट पे स्टिक ना रहना पड़े। ओके, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। अच्छा, इसके अंदर है क्या? ये भी उसी तरह 201 ग्रेड के अंदर बना हुआ है, SS का सारा बना हुआ है। इसके अंदर एक हॉट प्लेट है, वही चीज़ बर्गर्स का कम्प्लीट सेटअप है, उसके साथ फ्राइज एंड फ्राइड आइटम्स का सेटअप है जो कि ऑटोमेटिक ब्लोअर मॉडल फ्राइज इसके अंदर लगे हुए हैं। ओके, ठीक है, इसके नीचे सारा स्टोरेज एरिया है। ठीक है, ये नीचे इसकी वायरिंग है, इस साइड पे भी स्टोरेज है, उस साइड पे भी स्टोरेज है। अच्छा जी, ये व्हील्स हैं, इनके ऊपर SS के मडगार्ड्स लगाए हुए हैं। ओके, अगर आप इसकी बैक साइड पे आए, बैक प्रोफाइल पे आए, अच्छा जी, तो आपको आइडिया होगा कि यार ये बैक प्रोफाइल जो है इसमें दो चीज़ें जो मैं कहता हूँ, कस्टमर को कहता होता हूँ, जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, वो ये कि ये सर्विंग विंडो है। अच्छा, जो कि कस्टमर को किसी टेबल की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पे भी खड़े होकर खा सकता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि टेम्पर्ड ग्लास है तो हीट बाहर नहीं आएगी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे भी खड़े होकर अपना फूड जो है वो यहाँ पे खड़े होकर खा सकता है, उसको टेबल की जरूरत नहीं, बेंच वगैरह रखने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट 4 to 5 कस्टमर इजीली यहाँ खड़े होकर खा सकते हैं। ओके, इसकी कैनोपी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लाइट्स लग जाती हैं उस फूड को कवर करने के लिए। अच्छा, सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है जो कि जिसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ, ये है कि हम लोगों ने इस साइड की जो कैनोपी का डिज़ाइन है ये इस वजह से ये बनाया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं। सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाता है, सोलर पैनल अंदर जो जो कुछ लगा हुआ है उन सबको चलाता है। अच्छा, सर्विंग विंडो है, सर्विंग शेल्फ है। अच्छा, अब यहाँ से सर्विंग विंडो से कस्टमर को सर्व करें, आपको उधर से जाके करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सर्व करते हैं और कस्टमर यहाँ खड़े होकर सर्विंग शेल्फ पे अपना मील सर्व कर सकता है। आप कह रहे थे कि मैंने इसको मूव करने के लिए एक स्पेशल आइडिया इंप्लीमेंट किया। अच्छा है जी, अब इसको बैक व्हील हो गया, अब फ्रंट व्हील पे अगर आप आए तो हम लोगों ने इसको स्पेसिफिकली बाइक के लिए डिज़ाइन किया है। अच्छा जी, ठीक है, अब इसको मैं देखें तो मैं इसको बिल्कुल नॉर्मल हैंड के साथ मैं इसको खींच रहा हूँ, बड़ी आसानी से खींच रहा है। अच्छा जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही मैं। ओके, ठीक है, और इसकी रोटेशन को अगर आप देखें तो ये 180 डिग्री से भी ज़्यादा रोटेशन है इसकी। अच्छा, लेकिन हम कस्टमर को सजेस्ट ये करते हैं कि अगर आपने इसको रोटेट करना है, एकदम से रोटेट नहीं करना, एक सर्टन स्पीड पे 20 to 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आपने रोटेट करना है। ओके, तो इसकी रोटेशन जो है दोनों साइड्स पे 180 डिग्री की रोटेशन है। ज़बरदस्त, बहुत हैवी फीचर इसमें दिया गया। और फिर यहाँ पे इसका बैटरी का पूरा बॉक्स इंस्टॉल होता है। हाँ, जिसके अंदर वो स्टोरेज बॉक्स भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बन जाता है। ओके, कि कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, क्योंकि कस्टम मेड कार्ड्स हैं तो कस्टमर यहाँ पे अपना जो है वो बॉक्स भी इंस्टॉल कर सकता है। ओके, जो है मैं आपको 2,65,000 में ये वाली कार्ट आपको। अच्छा, और मुझे बताइए कारोबार के लिए एक बड़ी स्पेशल आपकी कार्ट थी। अच्छा, ये हम लोगों ने एक कार्ट डिजाइन की है जिसके अंदर आपका डुअल भी सेटअप कह सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि इसको आप 3 times जो आपके खाने के होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपका तीनों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? ये एक स्टीमर है जिसके अंदर, जिसको एज एन बिरयानी स्टीमर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके नीचे वाटर, हम इसकी वाटर टैंक है जिसकी स्टीम से ये वाला गर्म होता है और इसके अंदर जो भी चीज़ होती है वो गर्म रहती है। ओके, अब आजकल सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों के अंदर आप इसके अंदर सूप भी लगा सकते हैं। अच्छा,
आप इसके अंदर दूसरे टाइम में बिरयानी भी लगा सकते हैं, आप तीसरे टाइम में जो स्टार्टिंग सुबह नाश्ते का टाइम होता है उसके अंदर जो है वो आप इसके अंदर अपने चने रख सकते हैं, और एक हॉट केस यहाँ से हमसे बनवा लें या मार्केट से ले लें जिसके अंदर आप अपने नान रख के आप अपने कस्टमर्स को नाश्ता उसके अंदर आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है जो कि रात को कस्टमर बहुत ज्यादा पसंद करता है। अच्छा जी, सर्दी में तो खासतौर पर बहुत ज्यादा पसंद करता है कि फ्राइड आइटम जिसके अंदर फ्राइज आ जाती है और फ्राइड चिकन आ जाता है, समोसे भी आ सकते हैं। एग्जैक्टली, फ्राइड चिकन में आपके पास नगेट्स, चिकन पॉपर्स, उसके अलावा अगर आप समोसों की बात करें, छोटे पैटी समोसा, बड़े समोसा, तो इस तरह के रोल्स हो गए, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मोस्टली आजकल जो है फ्राइज का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है, ऐसे ही है, ऐसे ही। और फ्राइज का ट्रेंड जो है उसके अंदर लोडेड फ्राइज आ जाती है, उसके अंदर पिज्जा फ्राइज आ जाती है, उसके अंदर बहुत सारी फ्राइज है। अगर आप वो पिज्जा फ्राइज के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक सिलेंडर लगा देते हैं चीज को मेल्ट करने के लिए, आपका यही कार्ड जो है वो एज इट इज इस्तेमाल हो जाता है। माइक्रोवेव ओवन रख सकते हैं जिसके अंदर आप लोडेड फ्राइज बना सकते हैं, चीज मेल्ट करनी होती है, मतलब सारा कुछ यहाँ से आपकी मोर देन 50 रेसिपीज इन दो फ्राइड से बन सकती है। अच्छा, केटरिंग में लाजमी यूज करना है। अब केटरिंग सर्विसेज क्या है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर इवेंट्स होते हैं। अब इवेंट्स वाले चाह रहे होते हैं कि हमें मल्टी फूड मिले, ठीक है, तो आप इस साइड को और उस साइड को इस्तेमाल करके पूरे इवेंट को केटर कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके पास हर तरह का फूड आपके पास अवेलेबल होगा। तो एक इवेंट जो एक कुछ घंटों का होता है, लाइक एक घंटे का, दो घंटे का या तीन घंटे का इवेंट होता है, अगर आप उसको देखें और एक अपनी हफ्ते की सेल को देखें या दो हफ्ते की सेल को देखें, आपका एक इवेंट जो है आपको दो हफ्ते की सेल दे जाता है। ऐसा ही है, ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट आइडिया या फीचर है इसका कि आप इसको केटरिंग सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। सोलर का भी ऑप्शन है इसके ऊपर। एग्जैक्टली, हर एक के ऊपर हम सोलर का ऑप्शन बनाते हैं। अब ये देखिए ना, किसी भी जगह पे आप खड़ा करें, हर बंदा आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं ना देगा। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही बहुत महंगी हो गई है, वो कहेगा भाई सबमीटर लगाओ, सबमीटर के थ्रू मुझे यूनिट दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो मेनी कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। सिंपली एक सोलर पैनल यहाँ पे इंस्टॉल करें, उस सोलर पैनल के थ्रू नीचे बैटरी लगेगी, बैटरी जो है उसको पावर उसको जो है चार्ज करी होगी, जिसके थ्रू इसके ये फ्रंट के पैनल, अब ये फ्रंट के पैनल जो है हार्डली 15 वाट का एक पैनल है, अच्छा जी, विच इज नथिंग, ठीक है, आप एक बैटरी, बड़ी बैटरी आपका पूरा दिन बासानी निकाल जाए। इलेक्ट्रिक वर्क है तो SMD लाइट 13-13 वाट की लगी हुई है, पूरा दिन जो है वो अगर आप चलाएं तब भी एक बैटरी के अंदर आप इसको आसानी से तो कर इसमें सकते ऑप्शन दिया गया है, इसमें भी ऑप्शन है क्योंकि ऑन व्हील है, हाँ। तो इसके अंदर भी वही ऑप्शन है, आप जिस तरह मर्जी चाहें उसको मूव कर सकते मतलब हैं। अब देखिए, मैंने उसी जगह पे इसको रोटेट करके साइड इसकी चेंज कर दी है, हाँ। कि इसकी इतनी रोटेशन है, तो बाइक के साथ इसे लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली, ये बनाया ही बाइक के लिए हम लोग। अच्छा, ये बाइक के लिए डिजाइन किया गया है, ये इसके आगे हम लोग फिटिंग बना के देते हैं बाइक की, अब बाइक के पीछे इसको हुक करें और जहां मर्जी इसको। एक कस्टमर हमारे थे, मुझे याद आ गया टाइम कम में, फैसलाबाद के हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने बनाया है, उसने कहा यार मैं अब 20,000 रुपये जो खर्च करूं गाड़ी का, उन्होंने बाइक के पीछे टो किया और फैसलाबाद इसी तरह ले गए। एंड जब उन्होंने पहुंच के बताया, कहते यार मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ टो ही नहीं करके लेके आया, जान दे नाल सवारियां भी भाग के ले गए ने, वो तो उन्होंने दिल करे तो जिन्नी मर्जी बिठा लें। अच्छा, ये कितने का मुझे मिल रहा है ये जो कार्ट है, क्योंकि ये कुछ और भी ऑप्शन इसमें ऐड हो सकती हैं, बट ये वाला जो कार्ट है इसकी मैं आपको अगर एक सिर्फ जो इस टाइम पे ये खड़ा है 6 फिट बाय 2.5 फिट इसकी बॉडी साइज है, और ऊपर का साइज इसका 3.5 फिट है, मतलब 3.5 फिट का टॉप है और 3.5 फिट की कैनोपी है। तो ये वाला जो है मैं आपको 300,000 3 लाख रुपए के अंदर मैं दे दूंगा। तो एक साइकिल कार्ट है जिसको आप बड़ी आसानी से इसको पूरे को मूव कर सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ एक सेटअप है, अच्छा फ्राइज का, दैट्स इट। अच्छा जी, या फ्राइज या फ्राइड चिकन, तो ये सेटअप उनके कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई बिजली का खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई खास एक्सपेंस नहीं है, हाँ। और ये आपका ऑटोमेटिक फ्रायर है, इसके अंदर ये हम लोगों ने फ्रंट इसकी प्रोटेक्शन लगाई हुई है, अच्छा यहाँ पे इसके पैनल अभी उतारे हुए हैं, पैनल लगने हैं, ओके ठीक है, नीचे गैस की वायरिंग सारी हुई हुई है, ओके ये ऑटोमेटिक फ्रायर है। अब इसके अंदर जो है वो आप सिर्फ फ्राइज का या फ्राइड चिकन का काम कर सकते हैं, इसके अंदर लाइट वर्क हुआ हुआ है सारा, कैनोपी पूरी इंस्टॉल है, तो ये वाला जो सेटअप है ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सेटअप है। अगर हम प्राइस की तरफ आए तो उनके कंपैरिजन में ये वाला सेटअप जो है, जो बंदा सिर्फ एक प्रोडक्ट को टारगेट करना चाह रहा हो उसके लिए बेस्ट सेटअप है, क्योंकि 170 से लेके 200,000 तक, मतलब आपका 1,50,000 कर लेंगे, 1,50,000 से लेके 2,00,000 के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। और मटीरियल, मटेरियल इसका टॉप का जो सारा मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील का है, फूड ग्रेड क्वालिटी, अगेन वही 201 ग्रेड, और जो नीचे का बेस मटेरियल है वो सारा आयरन में, क्योंकि आयरन में बेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो स्टील में इतनी ज़्यादा बेंडिंग हो नहीं सकती, तो बहुत ज़्यादा ये नीचे पीछे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो आयरन में होता है, बेस का स्ट्रक्चर भी आयरन में होता है। ओके,
इसमें भी डिफरेंट वराइटीज़ होती हैं, अगर कोई लो क्वालिटी का साइकिल लेना चाह रहा हो, साइकिल कार्ट लेना चाह रहा हो, तो उसकी प्राइस और कम होती है। ठीक है नाज़रीन, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये एक किस्म के रोज़ी के अड्डे हैं, आपको जो मुख्तलिफ कार्स दिखा रहे हैं, ये एक कारोबार है। क्यों जी? ये जो ख़ास तौर पर ये तो एक ऐसा रोज़ी का अड्डा है कि ये एक जगह पर खड़ा कर लें, एक जगह पर ले जाएँ, या मुख्तलिफ जगहों में स्कूल की छुट्टी हुई बाहर खड़ा कर लिया आपने, आपका किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर लोगों ने कुछ टाइम में बाहर आना है, तो आपने वहाँ पर हार्डली 10 मिनट या आधा घंटा खड़ा होना है, आधे घंटे में आपको ये अच्छी अर्निंग दे जाए। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस के जिसको आप कह सकते हैं कि रोजी कमाने का आसान हाल है, ये आसान तरीका है। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग दिल में ख्वाहिश रख रहे हैं वो लाजमी इस कारोबार को कर सकें। चारमा का सेटअप लगाना चाह रहा तो उसके लिए भी आपके पास अवेलेबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये फूड कार्ट है, ये अभी बन रहा है। अच्छा, मैं आपको फिर भी एक रिव्यू दे रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, इसके अंदर एक शॉर्मा मशीन है जो कि क्लोज टू हॉट प्लेट है, क्योंकि यहाँ से जो चिकन बनना है उसने यहाँ आना है और यहाँ पे आपका पीटा ब्रेड के अंदर आपने चिकन शामिल करके दे देना है। तो एक छोटा सा सेटअप है 4.5 फिट का, जिसके अंदर एक हॉट प्लेट है और एक शॉर्मा मशीन लगी हुई है। आप इसको जो है वो सेम एज इट इज़ के आप किसी पॉइंट के बाहर खड़ा करना चाहें, ऑन व्हील रखना चाहें, मतलब ये मल्टीपल कार्ड से मल्टीपल कुजींस के लिए। तो दिस इज वन ऑफ द कुजीन जो कि पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिकता है। शॉर्मा आपका बहुत ज्यादा बिकता है, तो आप इसको जाके काउंटर की शक्ल में बेच लें, बाहर खड़ा कर दें किसी दुकान के, या फिर जो ऑन व्हील जाके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जिस तरह हम लोगों ने पहले बताया कि आप कहाँ कहाँ पे जाके इनको बेच सकते हैं। तो ये शॉर्मा का स्पेसिफिकली शॉर्मा के लिए रैप्स के लिए सेटअप। ओके, अगर इसकी बात करता हूँ इसमें क्या है जी? अच्छा, ये बाहर हम लोगों ने कुछ सेटअप्स को देखा, उसके अंदर भी डबल फ्रायर लगे हुए, इसके अंदर भी डबल फ्रायर है, इसका पैनल अभी इंस्टॉल होना है। लेकिन इसकी मजे की बात यह कि उनकी कॉस्ट 3 लाख रुपये तक है, इसकी कॉस्ट 1,80,000 रुपये इसकी सिर्फ कॉस्ट है। अच्छा, और ये साइज में थोड़ा सा छोटा है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, जस्ट फ्राइड चिकन, फ्राइड आइटम्स और फ्राइज। इसके अंदर फ्राइज 10 तरह की फ्राइज और कोई 20 तरह की आप चिकन जो है, चिकन की आइटम्स या चिकन की प्रोडक्ट फ्राइड जो है उनको आप ऑफर कर सकते हो। एक बहुत छोटा सा सेटअप है, इसके आगे भी फ्रंट सर्विंग विंडो लगेगी। ओके, इसका भी फ्लैपर है, 3 साइड टेम्पर्ड ग्लास लगेगा, ऑटोमेटिक फ्रायर्स हैं। तो ये एक वो ऑप्शन है उन कस्टमर्स के लिए जो कि फ्राइड आइटम्स पे प्ले करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, जो फ्राइड आइटम्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं और कम प्राइस में, मतलब 1,80,000 इज जस्ट लाइक के आपकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट है जिससे आपकी 2 महीने वो पैसे आपके वापस निकले, प्रॉपर दुकान बन जाती है 1,80,000 में। आप अगर 1,80,000 रुपये में ये दुकान है लेकिन दूसरी दुकान की तरफ जाएंगे तो वो 18 लाख रुपये में बनेंगी। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपके बहुत सारे पैसे बचा जाती है और बहुत सारी रेसिपीज आपको कस्टमर के लिए जो वैरायटी ऑफ फूड है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको मिलता है। ओके, अगर इसकी बात करता हूँ, आप कह रहे हैं तंदूरी चाय का भी सेटअप जाते जाते। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले जो है ना तंदूरी टी का एक कॉन्सेप्ट आया था। ओके, उसके लिए लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। ठीक है, कुछ लोग जो बटियाँ बना के रख देते थे, तंदूर साइड पर रख देते थे और तंदूर के अंदर से बर्तन निकालते थे, उनको एक हॉट स्टीमर रखा हुआ था, उसके अंदर चाय डाली, बर्तन को गर्म किया और बर्तन का टेस्ट दे दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने प्रॉपर मट्टी का क्ले का तंदूर लगाया हुआ है। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, और इस तंदूर के अंदर आपके सारे बर्तन पड़े होंगे जो कि गर्म हो रहे होंगे। ओके, अब टेस्ट जो है वो डबल मतलब टेस्ट इनहांस हो जाएगा ना, बर्तन का टेस्ट और क्ले का टेस्ट मिक्स होगा तो आपको एक्चुअली तंदूरी चाय का टेस्ट देगा, स्पेशल टेस्ट मिलेगा, स्पेशल टेस्ट मिलेगा। और इसके साथ इसकी ये है ट्रे जहाँ पे आप कप रख के आप उसको फिल करते हैं। ओके, इसके नीचे एक ड्रेन लगेगा जो कि नीचे इकट्ठा हो जाएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा गिरती है चाय तो उसको आप निकाल के जो है वो बाहर फेंक भी सकते हैं और ऑब्वियसली जो है उसको यूज़ भी किया जा सकता है अगर साफ सुथरी कंडीशन में। ओके ओके, और एक बर्नर लगा हुआ है जिस बर्नर के अंदर आप अपनी चाय बनाते हैं, पकाते हैं, चाय वो वाली चाय बनाते हैं जो कि मतलब 50 टाइप्स की ऑप्शन है, ज़ाफ़रानी टी है, लेमन टी है, आपकी तंदूरी टी में बहुत सारी ऑप्शन होती है ना, तो आप इस बर्नर पर आप उसको बना के यहाँ पर एक स्टीमर रखा, स्टीमर के अंदर डाल दिया, यहाँ पे आपके कप्स जो हैं वो शेल्फ बनी हुई हैं डिस्प्ले के लिए कि आपसे आपके जो कप्स हैं वो डिस्प्ले हुए होंगे। ओके, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कार्ट है और ये भी उसी तरह 3 साइड टेम्पर्ड ग्लास है। अच्छा, फ्रंट इसका जो है वो आप इसी तरह क्लोज कर सकते हैं, रात को जाते हो तो इट्स जस्ट लाइक आप अगर पंजाबी में कहिए एक अड्डा है। अच्छा, ठीक है, तंदूरी चाय का वो अड्डा है जो आप किसी भी जगह पर खड़े होकर तंदूरी चाय स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर इसे ओपन करना है, अगर इसे ओपन करना है तो बहुत ईजी है। आप मैंने थोड़ा सा थोड़ी सी जंप बर्गर बच्चा हूँ तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो रही है मुझे, वरना थोड़ा सा काम करने वाला बंदा वो एक हाथ से इसको रोटेट कर सकता है। ओके, लाइट वर्क इसके अंदर यहाँ पे होना है, अभी यहाँ पे लाइट्स इसके लगी हैं, शेल्फ है, नीचे स्टोरेज है, सारी स्टोरेज है। ओके, तंदूर का पार्ट निकाल के बाकी सारा स्टोरेज एरिया है। तो ये स्पेशल काउंटर है फॉर तंदूरी टी। ओके,
और ये कस्टमर्स अगर आएंगे तो बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में ये उनका ये अड्डा तैयार हो सकता है। और आपको पता है तंदूरी टी इस टाइम पे पाकिस्तान में कितनी ज्यादा इन है, वो दूसरी चाय आवाम छोड़ रही है एग्जैक्टली तंदूरी की तरफ आ रही है एग्जैक्टली। अब कड़क टी बनने लगा है इस वजह से कि अगर कोई कस्टमर कहे मुझे कड़क टी बना दो तो इस पर बनाई जा सकती है। ओके, तंदूरी टी तो आपका है ही है ना मेजर, कोई कस्टमर कह दे यार मुझे कड़क टी बना दो वो भी बन सकती है। अच्छा, अब मेरा जाते-जाते सवाल ये है कि ऑर्डर करना है तो कितने दिन में आप इस तरह की चीजें रेडी कर देंगे? ये जो है ना ये डिपेंड करता है, जिस तरह मैंने आपको डिफरेंट साइजेस दिखाए हैं और उसके अंदर लगी हुई डिफरेंट मशीन दिखाई है इसी तरह ये है, तो ऑर्डर जो है वो वेरी करता है, ऑर्डर का जो टाइम है वेरी करता है साइज टू साइज और इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट जो उसके अंदर लगवाया जा रहा है। ओके, अब इसका अगर ये वाला सेटअप आपने बनवाना है तो इस सेटअप के लिए एटलीस्ट 20 से 25 डेज होते हैं, क्योंकि मट्टी का तंदूर तैयार होने में 7 दिन लगते हैं। थैंक यू सो मच जी, और आपके बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने जो है वो हमारी इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो दिखाया है लोगों को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा लोगों को कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और एयर पाकिस्तान को जो है वो ख़ास तौर पे ये क्रेडिट जाता है कि वो आके उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि यार आप इनको दिखाते क्यों नहीं हो, हम तो बस बनाने में लगे हुए हैं। सर जाहिल से लोग हैं, समझ ही नहीं आता कि कैसे प्रमोट करें, इन जैसे अच्छे लोग मिलते हैं तो हमें समझ आता है। आपकी मोहब्बत बात ये कि जब कारोबार के लिए लोगों को फ़ायदा होगा ना, अब फूड कार्ट लोग लगाएंगे कारोबार करेंगे तो हमारा पाकिस्तान ग्रीन होगा। एग्जैक्ट, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, इसमें आपका भी हक है और हमारा भी हक है, इसी वजह से एयर के आगे पाकिस्तान जरूर लगा होगा। नाज़रीन दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।